मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में आज भिंड में नगरीय निकाय चुनाव का पहले चरण का मतदान हुआ। भिंड जिले में रौन, मेहोना, लहार, दबोह और आलमपुर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जहां 7 वर्ष के बाद महिलाओं और पुरुषों को अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिला है। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर वोटरों के द्वारा काफी उत्साह देखने को मिला। यहां बताना मुनासिब होगा कि लहार विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 11 के नगरीय निकाय चुनाव, जिसमें अकेली लहार नगर पालिका है और बाकी के 4 नगर परिषद रौन, महोबा, दबोह, आलमपुर हैं। इन 5 जगह होने वाले चुनाव में प्रशासन की ओर से 124 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 88 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। कुल 87,842 मतदाता आज शहरी क्षेत्र के वोटर लगभग 7 साल बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं भिंड पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है। 500 जवान इन सभी पोलिंग बूथों पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 24 पुलिस सेक्टर मोबाइल व 5 QRT मोबाइल भी यहां पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही CCTV कैमरे से नजर रखी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि मतदान प्रभावित करने की नियत से पोलिंग बूथ पर एक एजेंट की जगह 2-2 एजेंट बनाकर मतदान को भ्रमित करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, ऐसा निरीक्षण के दौरान पाया गया। इसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे और अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे के संज्ञान में आई, तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर एजेंटों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। पोलिंग बूथ पर दिव्यांगों को व्हील चेयर समेत सुविधाएं देखने को नहीं मिली। इसके चलते बुजुर्ग वोटरों व उनके परिवारजनों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। हाथ में नवविवाहित महिला के द्वारा वोटर कार्ड होते हुए भी उन्हें मतदान से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि वोटर लिस्ट में विधानसभा, लोकसभा और नगरीय वोटर लिस्ट में विसंगतियों के चलते नाम अंकित नहीं हो पाए थे। वहीं भिंड प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि वोटर अपने मत का उपयोग कर सकें। महिलाओं को पहचानने में बहुत दिक्कत आ रही है और इसीलिए का नाम से मतदान में फर्जी मतदान होने के चांस है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि लंबे घूंघट और जो बुरका महिलाएं आ रही हैं उनको एजेंट नहीं पहचान पा रहा है। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ ठीक है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कहीं कहीं थोड़ा त्रुटि सुनने को आई है कि मतदाता सूची में लोगों के नाम नहीं है, वोटर कार्ड उनके पास हैं, कुछ विसंगतियाँ जो है हुई हैं, उसकी वजह से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं और प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था कैसे भी, अगर वोटर है तो जहाँ भी उनकी व्यवस्था कराई जाए, उनको मतदाता पर्ची जारी की जाए। क्या समस्या आ रही है वोटिंग डालने में? मेला का हमारा जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 है, जो उसमें इसका नाम दर्ज नहीं है। वो हाथ में वोटर कार्ड लिए हुए, वो विधानसभा का वोटर कार्ड है, विधानसभा BLO उसको देता है, नगर पालिका BLO नहीं देता है उसको, विधानसभा का। यहाँ 5 नगर निकाय का आज पहला फेज में मतदान सभी जगहों में EVM के माध्यम से चल रहा है। दबोह, आलमपुर, लहार, रौन, मेहोना, तो सभी जगह में पोलिंग पार्टीज और जो EVM के माध्यम से वोटिंग चल रहा है शांतिपूर्वक से होता है। सभी जगहों में मैं और SP साहब द्वारा संयुक्त रूप में अभी भ्रमण किए हैं। इसके अलावा सेक्टर और क्लस्टर मजिस्ट्रेट्स भी भ्रमण कर रहे हैं। कहीं ऐसे इस प्रकार के कोई सामने नहीं आया है। सभी जगहों में व्यवस्था ठीक ठाक है, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके साथ में हमारे मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं, लगातार हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, क्लस्टर मजिस्ट्रेट, RO, ARO की टीम लगी हुई है और अभी तक जो हमारी जानकारी है मॉक पोल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और पोल भी शांति से प्रारंभ हो गया। कहीं किसी EVM में अभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और नगरीय चुनाव के संबंध में प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएँ की गई हैं, उसके बारे में थोड़ी बताएँ। चूँकि आज प्रथम चरण का लोकल बॉडी का इलेक्शन है और इसमें पर्याप्त जो हमारी 5 नगरी परिषद है उनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगातार हमारी क्लस्टर मोबाइल है, सुपरवाइजरी मोबाइल है और सुपरवाइजरी जो ऑफिसर्स है लगातार राउंड ले रहे हैं और शांतिपूर्वक अभी मतदान प्रारंभ हो गया है और शांतिपूर्वक प्रक्रिया चल रही है। जो अभी प्रथम चरण में नगरीय निकाय चुनाव का जो प्रथम चरण है उसमें करीब 5 नगरीय निकाय हैं, जिसमें रौन, मेहोना,
डबो आलमपुर लाहौर यहाँ पे चुनाव किए जा रहे हैं और इसमें पुलिस की समुचित व्यवस्था सभी जगह लगी हुई है। इसमें जो मतदान केंद्र हैं उस पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी सेक्टर पुलिस मोबाइल्स हैं क्लस्टर मोबाइल्स हैं और साथ में जो सुपरवाइजरी मोबाइल्स हैं और क्यूआरटी हैं ये सभी अपना अपना भ्रमण कर रही हैं। सभी जगह पे व्यवस्थित तरीके से मतदान कराया जा रहा है और सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है।